नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। कुछ मीठा हो जाए, त्योहारी मौसम शुरू हो गया है और आजकल तो भैया ऐसे ऐसे मिठाई आने लग गए हैं जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो, केवल दुकान वाले जानते हैं। भैया ये क्या रखा हुआ है? अच्छा ये शाही, वो शाही पेटी, शाही वो, दुनिया भर का कश्मीरी ये, मतलब वो अपने तरीके से नाम रख देते हैं। बहुत अच्छी बात है और अच्छा भी, आनंद भी आता है। मीठे के बगैर त्यौहार जो है संपूर्ण नहीं होता है। लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ी चिंता है वो मिलावट को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से मिलावटी चीजें सामने आ रही हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। खाद्य विभाग लगातार तैयारियां कर रहा है, खाद्य विभाग लगातार जांच भी कर रहा है, लेकिन ना जाने क्यों ये मिलावटी चीजें जो है बाजार में आ ही जाती हैं। पहले के समय में ज़्यादातर मिठाइयाँ घरों में बना करती थी, लेकिन अब कुछ वर्षों से ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर से मिठाइयाँ लेते हैं, जिसके चलते मिलावटी चीज़ें बाजार में लगातार फल फूल रही हैं। छत्तीसगढ़ में मिलावटखोरी का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका प्रमाण है राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की राज्य प्रयोगशाला की वह रिपोर्ट जिसमें सैंपलों की फेल होने का जिक्र है। बीते वर्ष सैंपल लेने में देरी हुई थी, रिपोर्ट दीपावली के बाद आई थी, तब 67 सैंपल फेल हुए थे। इस वर्ष दीपावली से एक महीना पहले से सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। अब तक 280 सैंपल लिए गए हैं। जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है, 148 सैंपल फेल हो चुके हैं। ये सभी जो है स्टैंडर्ड में अमानक, मतलब गुणवत्ता विहीन पाए गए हैं। संबंधित सभी संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। इसीलिए इस त्योहारी मौसम में जहां हर पल हर जगह जो है मिठाइयों की चर्चा होती है और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जाती हैं, तो इसलिए आप ज़रूर सतर्कता बरतें जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें का सेवन ना करें, ऐसी मिठाइयों का सेवन ना करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।